एक दिन एक शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। एक पंछी दाने के लालच में उस जाल में फंस गया। शिकारी पंछी को फंसा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पंछी को जाल से बाहर निकाला और उसको मारने लगा। पंछी घबरा गया, उसकी मौत उसके सामने थी। पंछी ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर भला तुम्हारा क्या पेट भरेगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 अनमोल सीख दूंगा, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। शिकारी ये सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये पंछी ठीक कह रहा है, इतने छोटे से पंछी को खाकर मेरा क्या पेट भरेगा। बेहतर तो ये होगा इससे 3 सीख ले लूं और इसे जाने दूं। लेकिन उसने पंछी से कहा, तुम मुझे मूर्ख बनाकर भाग जाना चाहते हो, भला एक पंछी मुझे क्या सीख दे सकता है। पंछी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहली सीख मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ, अभी तो मैं तुम्हारे हाथों में हूँ। दूसरी सीख मैं तुम्हें तब दूंगा जब पेड़ की डाली पर बैठा होऊंगा, और तीसरी सीख मैं तुम्हें तब दूंगा जब खुले आसमान में उड़ रहा होऊंगा। अगर तुम्हें मेरी पहली सीख अच्छी ना लगे तो तुम मुझे उसी समय मार देना। शिकारी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, बताओ तुम्हारी पहली सीख क्या है। पंछी ने कहा, ध्यान से सुनो, मेरी पहली सीख है, उस बात पर कभी भरोसा मत करो जो बात नामुमकिन हो। शिकारी को पंछी की ये सीख बहुत अच्छी लगी और उसने पंछी को आज़ाद कर दिया। पंछी उड़ा और पेड़ की साख पर बैठ गया और वहाँ से बोला, अब सुनो मेरी दूसरी सीख, कभी भी गुजरी हुई चीज़ पर अफसोस मत करना। शिकारी को पंछी की दूसरी सीख भी अच्छी लगी। अब वह पंछी की तीसरी सीख का इंतज़ार करने लगा। उसने कहा, अब तुम आज़ाद हो, मुझे तीसरी सीख दो। पंछी ने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने एक कीमती पत्थर निगला था जो मेरे पेट में अभी भी है, और जिसको बेचकर तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाती, लेकिन तुमने मुझे कितनी आसानी से छोड़ दिया। अब शिकारी यह सुनकर गुस्सा हो गया और परेशान भी हो गया। वह बार बार पछतावा करने लगा। फिर बोला, चलो जो हुआ जैसा हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम मुझे जाते जाते तीसरी सीख देकर जाओ। इस बात पर पंछी ने कहा, क्या तुमने मेरी पहली 2 सीख पर अमल किया जो तुम तीसरी सीख मांग रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि उस बात पर कभी भरोसा मत करना जो बात नामुमकिन हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात पर कितनी आसानी से भरोसा कर लिया। मैं इतना छोटा सा पंछी, मेरा गला इतना छोटा है, तो कैसे मैं किसी कीमती पत्थर को निगल सकता हूँ। तुमने मेरी इस बात पर यकीन भी किया और साथ ही साथ तुमने इस बात पर भी पछतावा किया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तुमने मेरी बताई हुई पहली और दूसरी सीख पर अमल किया ही नहीं, अब तुम तीसरी सीख जानकर क्या करोगे। इस पर शिकारी बोला, मुझे अपनी बात पर पछतावा है, लेकिन तुम मुझे तीसरी सीख देकर जाओ, अपना किया हुआ वादा पूरा करके जाओ। इस पर पंछी बोला, सुनो मेरी तीसरी सीख, मूर्ख इंसान को कोई भी सीख देना बंजर ज़मीन पर खेती करने जैसा है। शिकारी ने यह सुनकर निश्चय किया कि ये सीख वो जीवन भर याद रखेगा। जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन इतना भी बड़ा नहीं है कि केवल स्वयं के अनुभव से ही सब कुछ सीखा जा सके, इसलिए दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आज की इस कहानी से तुमने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा।